उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ ग्राम प्रधानों और सचिवों के कारण ग्राम पंचायतों की दशा और दिशा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मामला जनपद पादा के ग्राम खपतिया कला का है। दो दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया, ग्राम प्रधान के द्वारा बड़ी संख्या में अवैध रूप से जॉब कार्ड बनवाए गए हैं। इसके माध्यम से मनरेगा के तहत अवैध रूप से पैसा निकलवाकर गमन किया जा रहा है। ग्राम के विकास कार्यों में बड़ा घोटाला किया गया है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर डाली तो कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर का विकास करने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज हमारे साथ खपतिया कला के कुछ ग्रामीण आए हैं, जो यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि इनके गाँव में कई घोटाले सामने आए हैं, जो कि रास्ते का पैसा मनरेगा के तहत निकाल लिया जाता है और जो अपात्र लोग हैं उनके जॉब कार्ड बनवाए जाते हैं और उन जॉब कार्डों के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है और उन पैसे को गबन कर लिया जाता है। तो इस तरह की समस्याएं लेकर के आए हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं किस तरह का मामला है। क्या नाम भाई साहब आपका? लोकेश वर्मा। क्या समस्या है आप लोग? तो मनरेगा में जी, मनरेगा जो विकास कार्य है, मनरेगा राज बीत कर जी, निर्माण मेड़बंदी कार्यों में, तालाब खुदाई में, संपर्क मार्ग चक मार्गों के माध्यम से महज 100 मीटर या 50 मीटर कार होता है और उसमें कई लाख की इस्टीमेट बनवा लिया जाता है जल्दी से मिलकर, और कार बंद होने के बावजूद इस्टीमेट बराबर भुगतान लगाते जा रहे हैं। जून के पहले काम बंद होगा ये सारे, अभी भी मास्टर रोल लगाए जा रहे हैं अरे भुगतान। आप कह रहे हैं कि जॉब कार्ड सारे फर्जी, कितने जॉब कार्ड पड़े? लगभग इन्होंने 200 का फर्जी जॉब कार्ड बनाया, 200 जॉब कार्ड कुछ पुराने जॉब कार्ड थे तो उनको भी चालू कर दिया है। और जो लोग कभी मनरेगा में मजदूरी नहीं किया, वर्तमान में कुछ लोग बाहर हैं, या उसकी खुली मीटिंग करा के जांच करा लिया जाए। अगर हम लोग दोषी हों तो हमारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, जो संबंधित मनरेगा से संबंधित हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक कितना अवैध पैसा निकाला गया है? मेरे संज्ञान में 64 जॉब कार्डों में लगभग 13.5 लाख, अब लगभग 200 जॉब कार्ड है, अब इसका अंदाजा लगा लिया। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? मैना देवी निशान। कौन सा ग्राम पंचायत है? खपतिया कला। इस तरह क्या समस्या लेकर आई थी आप? हमारे यहाँ माना थे कुछ नहीं सुन रहे, हम 50-60 खान थे हमारे बच के, हमने खोदा था, पैसा नहीं लगा रहती है, कहती है चाहे जहाँ करना हो तो करो, पैसा तुम्हारा लग चुका है। आवास का पैसा आया था 1,20,000, जो कहती दीदी अब हमारा पैसा आना चाहिए, कहे अब तुम्हारा पैसा नहीं है, मेरी खंती की खोदाई में मेरा पैसा लगा दिया गया, कहती है उतना तुम्हारा आवास का पैसा है वही मैं तेरा खंती का पैसा। तो इस तरह से हमारे साथ करीब 1.5 दर्जन जो किसान ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने जिस तरह से बताया, ग्राम प्रधान और सचिव पे आरोप लगा रहे हैं कि अवैध पैसा की जो निकाला गया है जॉब कार्ड के माध्यम से, इसकी जांच कराई जाए। और इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर ग्राम प्रधान सचिव दोषी है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। साहब एक तो ऐसे जिलाधिकारी बांधे के पास लेकर के आए हैं, देखने वाली बात है कि इसमें जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बांधा से न्यूज 21 के लिए श्रीकांत श्रीवास्तव।